हेलो एवरीवन, सो आज है सैटरडे एंड आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा सैटरडे हेयर केयर रूटीन। और अभी रात का टाइम हो रहा है, कल संडे है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं वीक में सिर्फ और सिर्फ एक दिन शैम्पू करती हूँ। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं वीक में एक दिन शैम्पू करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें शैम्पू सिर्फ और सिर्फ वीक में एक दिन करना चाहिए, कम से कम दो दिन हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए अपने बालों में, बाकी के बचे हमारे पास तीन से चार दिन। आप चाहते हैं कि अगर आपके बाल जल्दी ग्रोथ करें सो आपको बहुत सारे तरीक़ों की ढेर सारे DIY ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ, उनमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि कौन सा DIY आपके बालों को शूट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो तो अदरवाइज़ आप अपना रूल फॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जिस वीडियो में किसी भी वीडियो में अगर कुछ भी बताया जाता है या कुछ भी दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपसे ज़बरदस्ती वो कहने करने को कहा जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए होता है आपकी, बिकॉज अगर हमें फ़ायदा है तभी हम यहाँ पर बताते हैं। सो प्लीज़ कोई भी ऐसे वैसे कमेंट्स ना किया करें मेरे वीडियोस के नीचे। अगर आपको अच्छा लगता है आप लोग देखिए, नहीं अच्छा लगता है आप लोग प्लीज़ मत देखिए। सो चलिए बाकी बातों को छोड़ देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं अभी बता रही थी, आज है सैटरडे और आज मैं अपना नाइट हेयर केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल संडे है और मुझे हेयर वॉश करना है, इसलिए मैं रात में ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ अपने बालों में। और वीक में दो से तीन बार मैं ऑयलिंग करती हूँ, बाकी के टाइम मैं अपने बालों के लिए कोई ना कोई DIY यूज़ करती रहती हूँ। सो इसलिए बालों में ऑयल मैं नहीं अप्लाई करती, लेकिन जब मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ ठीक उसके नेक्स्ट डे अपना जो हेयर वॉश है वो कर लेती हूँ, ताकि जब भी हम कोई DIY अपने बालों में अप्लाई करें तो वो पूरा का पूरा अपना असर दिखाए। सो बस सिंपली मैंने अपने बालों की मालिश कर ली है। और सबसे अच्छी बात ये होती है मालिश करने की कि आपका सर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा कुछ सर पे भारी चीज़ रखा था और वो हल्का हो गया है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग जब ऑयलिंग करते हो तो आपके साथ कैसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऑयलिंग एक बहुत ही अच्छा बेस्ट मेडिसिन है मेरे ख्याल से। अगर आपको लगता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर सर भारी रहता है, तो मेरे ख्याल से आप ऑयलिंग किया करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऑयलिंग करने से सर बहुत ही ज़्यादा कसम से, बालों को तो एक ग्रोथ मिल जाती है, या फिर कह सकते हैं कि बालों को एक नरिशमेंट मिल जाता है या फिर नया जीवन मिल जाता है, वो तो होता ही है। साथ ही आपका जो सर है यानी कि पूरा जो आपका मस्तिष्क है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और वो रिलैक्स फील करता है। तो इसके लिए बताया गया है कि बालों में मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स हो, आपका जो पूरा सर है वो रिलैक्स हो। लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं हेयर ग्रोथ में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगी क्योंकि एक छोटा सा वीडियो और अपना हेयर केयर रूटीन आपके साथ मैंने शेयर किया है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।